राम राम भाई सबने, जय श्री राम, जय बड़े बाबा की जय हो। तो भाई आज हम चंडीगढ़ जाने लग रहे हैं भाई, और धुंध बहुत घनी हो रही है। मैं था मैं धुंध दिखाऊं, देखो यार धुंध है भाई, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, बढ़िया धुंध हो रही है। ले भाई अपने किसान भाई हैं, लड्डा में बढ़िया मेहनत करे हैं। तो भाई आज हम चंडीगढ़ जाने लग रहे हैं, तो आज हम आपको बहुत ही प्यारा व्लॉग बनाएंगे, चंडीगढ़ सुखना लेक वगैरह सारी चीजें दिखा। धुंध, इतनी धुंध में देख गाड़ी चलानी तो देख डेंजर तो है ना, और इतनी धुंध में गलत भी है भाई, हम ड्राइविंग कर रहे हैं। अगर घना इम्पोर्टेंट काम हो ना तो फिर आपने बाहर जाना चाहिए, तो अपना घना इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाने लग रहे हैं, और कई दिन हो गए इस काम के लिए, तो मतलब घनी धुंध पड़ रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पे ऐसा हाल है, ये मान के चलो आगे खेतों में कैसा ही हाल हुआ हुआ। तो हम निकल लेते हैं भाई यहाँ से, तो हमारे एक सर हैं तो उसको बिठाना है, उसको साथ में लेके जाना है। तो वो लोग में सारे भाई बने रहो, जय बोलेगी जय हो। आज हम चंडीगढ़ जाने लग रहे हैं भाई सर के साथ, भाई देखते हैं, पर धुंध बहुत घनी पड़ रही है। आज 16 तारीख है भाई, 16 जनवरी, धुंध गज धुंध पड़ रही है। बर्फ तो पड़ती नहीं भाई कितने भी, अब की बार बर्फ तो कितने पड़े नहीं, पर धुंध घनी ज्यादा पड़ रही है। यू है रोहतक से हम लाखड़माजरा, लाखड़माजरा से 152 चढ़ते हैं सीधा अम्बाड़ा के लिए, तो ये सोर्स पड़ता है। अगर आपको और इससे अच्छा रोड लेना है तो आप रोहतक से महम की तरफ जा सकते हो, तो रोड आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। आज तो घनी ज्यादा हम 152 के ऊपर चढ़ चुके हैं, तो यहाँ से अंबाला तकरीबन 170 किलोमीटर पड़ता है लाखड़माजरा के पास से। आपको बता दूंगा, धुंध बहुत ही ज्यादा धुंध हो रही है भाई, मतलब अगर घना इम्पोर्टेंट काम हो तो जाओ, अदरवाइज टाड़ मार दो, मतलब ये भी नहीं दिख रहा कि है क्या। तो अभी हम भाई 152 पे चढ़ चुके हैं, अभी आने वाला है मान लो 1.5-2 घंटे लगेंगे यहाँ तक, अम्बाला पहुंच जाएंगे 12 बजे तक हम। बताओ सर कैसा लग रहा है आपको इतनी ठंड में, इतनी धुंध में? मेरे को नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है? तो भाई सर को आ रही है नींद, तो हम जा रहे हैं भाई, आज का लुक यू है भाई, तो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ हम पहुंचने वाले हैं,
तो भाई बहुत ही बढ़िया जगह है, हम यहाँ पे रुक सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। तो भाई खाना बहुत बढ़िया लगा। अरे इस टाइम पर तेन मान लो तड़के तड़के तो घना बढ़िया लगे, और आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तो सामने पीछे यो भाई, अरे करनाल हाईवे के ऊपर 152 बढ़िया खाना है, आप विजिट कर सकते हो। तो भाई हम यहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते हैं, जो अपना भाई है डाल दे छोटे भाई। अरे कुछ फर्क है स्थान में, आड़े भी हैं भी। सही है। तो भाई हम अम्बाड़ा रहते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, तो अम्बाड़ा हम पहुँचने वाले हैं बस। पंजाबी भाई आड़े रैली चल रही है, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर आ पा रहे हैं भाई, लंबा जाम लग रहा है और लेट हो गए भाई बहुत। मान लें 2:32 हो लिए, देख ले भाई ऐसे मॉडिफाई कराते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर। ट्रेली देख ले, मैं डिजाइनर ट्रेली है और रूल रेगुलेशन बढ़िया बना रखे हैं। देख ले भाई एक साइड चल रहे हैं और बहुत ही प्यारा है नज़ारा है। ये देख लो भाई कितने अच्छे से सजा रखे ट्रोले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो वाहेगुरु। कितने अच्छे रूल रेगुलेशन है, यह देख ले भाई साफ सफाई। ये अपने यहाँ पे भी होना चाहिए हरियाणा में साफ सफाई अभियान। देख कितना प्यारा लग रहा है, ढोल लगवा ले रहे हैं। ये देख लो भाई पंचकुला वाले रोड, पंचकुला चंडीगढ़। तो हम हैं सेक्टर 14 के पास, अब हम सेक्टर 3 जा रहे हैं पंचकुला में। यहाँ से लेना है ना सर? हाँ लेफ्ट। तो हम सेक्टर 3 कुल मिला के ठीक है, अपना टाइम पर काम हो गया, टाइम पर हम पहुँच भी गए। पर ये है आज फोक बहुत गनी थी, तो मतलब लेट हो गए, 3:30 हो रहे हैं। तो सेक्टर 14 का काम करा है, इस सेक्टर 14 में फिर 5 बजे वापस फिर आना है, और उसके बाद फिर सेक्टर 3 की तरफ जा रहे हैं। यही है सर? राइट। तो मतलब कुल मिला के आज पूरा दिन होगा ड्राइविंग इसके अलावा और कुछ नहीं। अब सर स्ट्रेट सीधा पार गए भैया, 180 मीटर पर। गाड़ी बढ़िया दो सर, कपड़ा बेसक ना मारा उन्होंने। तो गाइज हम अभी निकल चुके हैं, ये मान लो अभी 7 बजे हैं, 10 बजे तक पहुंच जाओगे रोहतक तक, मतलब 3-4 घंटे लग गए हैं। नॉर्मली अगर दूर नहीं पाए थे ना और आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे, अदरवाइज 30-35 मिनट ज़्यादा लग गए लगेंगे भाई। गाइज चंडीगढ़ तो निकल लिए हैं और जीरकपुर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जाम है और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे भाई, जाम लग रहा पूरा, कुछ भी नहीं। पूरा दिन कब चला गया पता ही नहीं चला। 7 बज रहे हैं सर, सुबह आए थे 9 बजे आप। कैसा लग रहा सर? बस सही है, टायर्डनेस हो गई सर, है ना, थक गए। मैं मारे सर थक चुके हैं, मारे सर न चौन परास देंगे। सर तो चौन परास ना डाके हमारे बोले शंकर, और ये हमारा ट्रैफिक।
और ये हमारे सर बढ़िया। हम अभी हल्दीराम पे रुकेंगे तो आटा है अपने अम्बाड़ा में है, अम्बाड़ा से थोड़ी सी आगे नहीं हल्दीराम, उसका खाना बढ़िया है। तो चंडीगढ़ ते हम अम्बाड़ा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हाईवे पड़ता है और वो बहुत ही अच्छा खाना देता है, मतलब पेट बढ़िया भर जाओ, पेट खराब ना होता। और एक खाना बहुत मैटर करता है रास्ते में, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो अगर खाना है अच्छा ना तो हमारी ड्राइव भी अच्छी रहती है और हेल्थ भी सही रहती है। तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे और आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, तो आप व्लॉग में बने रहना। यहाँ से 5 किलोमीटर रहता है तो हम अभी पहुँच जाते हैं और आपको हल्दीराम पे लेके चलते हैं। तो हम हल्दीराम पे बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे 600 मीटर रहता है हल्दीराम, यहाँ से हमें ट्रन करके लेके आनी पड़ेगी। तो यह बात है, ये बताओ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हल्दीराम, ये हल्दीराम है, ये पड़ते हैं मतलब अम्बाला हाईवे के ऊपर, अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर, जीटी रोड। बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, आप यहाँ पे अगर आओ चंडीगढ़ की तरफ तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, रीजनेबल प्राइस है और बहुत ही प्यारा खाना मिलता है, आपको बिल्कुल घर जैसा फील होएगा और बहुत ही प्यारा, बैठने का भी बहुत ही प्यारा है, मतलब मेरी एक फेवरेट लोकेशन में से एक जगह पे लगा दें, यहीं पर लगा देते सर, है ना, सेफ पड़ी होगी ना, सेफ है सारी जगह। एक सेकंड, अरे मैं गाड़ी से उतर ही जा रहा हूं, एक सेकंड। तो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा खाना मिलता है गाइस, हम पहुँच चुके हैं हल्दीराम के ऊपर, तो आपको यहाँ की विजिट कराते हैं, चलो। ओ गॉड, तो बहुत ही प्यारी जगह है, मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ, ये पीछे का हल्दीराम है, देखो बहुत ही प्यारी जगह, अपनी गाड़ी खड़ी अपने लोग होगी, आप खाने पीने आ सकते हो और लाइटिंग बहुत कम है यहाँ पे। मटर कचौरी, गोभी, समोसा, बैठो सर आप पे ले जाते हैं, फेवरेट टिक्की आ चुकी है, जो तो क्या है। इसमें भी फोन है, फोन में क्या अगर मुँह लगाने के बाद मुँह हाथ कर दे कैमरा में, वो कुछ भाई एक नंबर के बना रखे हैं, मजा आ गया बोला भी नहीं। भाई तो हम निकल चुके हैं यहाँ से, ये मान लो 2 घंटे में हम रोहतक पहुँच जाएंगे और मौसम एक नंबर का मौसम हो रहा भाई। हल्दीराम गाइज, हम निकल चुके हैं अम्बाड़ा से हल्दीराम से, अब सीधा 152 डी पकड़ के रोहतक, ये मान लो 2 घंटे में हम रोहतक पहुंच जाएंगे। अब तो भाई की चीटी मारे है, तो राम रे मिलेगा भाई सरदार जी की। तो हम अभी निकल चुके हैं, ये हमारे सर रे, हम अम्बाड़ा से निकल चुके हैं और भाई एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली भाई, इतने बूंदे जाटे में तो देख ले भाई, हिम्मत है, धुंध पड़ रही है और इतने धुंध में यार सेब चलानी, तो देख भाई यो भाई कितनी मेहनत का काम है देख लो। और भाई फिर दिन में धुंध नहीं थी, रात को फिर यहाँ पे धुंध स्टार्ट हो गई। अभी 152 डीप से अभी रहता है 10 किलोमीटर, अगर वहाँ पे भी ऐसी धुंध मिलती है तो भाई हम स्टे करने का सोचेंगे, पर अभी देखते हैं क्यों, सेफ नहीं है धुंध में चलानी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर हम रुक के चले जाएँ तो बेटर ही है, तो यहाँ पे कहीं धुंध है कहीं नहीं है।
अम्बाला जीटी रोड से मतलब यहाँ से हमें राइट लेना है रोहतक के लिए, 152 डी पे चला जाएगा सीधा ये, और धूम तो यहाँ पे भी हो रखी है हुई, तो हम से भी चलेंगे, हम आराम आराम से आएंगे। पापा जी ने भी यही बोला है कि आप आराम से आना, लेट हो जाना कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस और फिल्म वगैरह नहीं नहीं रे बिल्कुल सही है, ये रोहतक है यहाँ पे 200 किलोमीटर दिखा रखा है, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, 2 घंटे में लगा दूंगा मैं। अगर हम यहाँ पे 100 की स्पीड रेंज है तो हम 105 तक इजीली चला सकते हैं, अगर धुंद नहीं मिली ना। मैं नहीं यही है रात को, एक तो ना ड्रिंक करके मत चलाओ, आप के घर पे भी कोई ना कोई वेट कर रहा होता है, तो आज का मैसेज यही देना चाहता हूँ, अगर रात को आप कहीं भी जाते हो, लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो ना ड्रिंक करके मत चलाओ। आप जाके पी सकते हो अगर आपको पीनी है तो, पर ड्रिंक करके मत करो, आपके चक्कर में कई लोगों की जान जाती है। क्यों सर? तो ड्रिंक करके मत चलाना गाइस। तो मैं से भाई इस दुनिया में ना सबसे अच्छा रिश्ता क्या होता है भाई? अपने मम्मी पापा का रिश्ता होता है। मैंने वाले आपा ने जब चलना भी नहीं आता ना, जब वो आपा ने चलना सिखावा भाई, अगर भाई ईब था हमने भाई कैसे चलना लाइफ में। अरे भाई शुरू में हम थप्पड़ भी खाते हैं, तो थप्पड़ भाई जब लागे है जब आपा कोई गलती करा, अरे अगर वो नहीं मारते तो हम के बेराज के बनते। सर सही कहूँ सर गलत कहूँ? सही बात है भाई, केबरा गुंडे बनते, मोहाली बनते हैं, केबरा किसका मर्डर करते, तो भाई उन्हें ना सजेस्ट करके हर तक पहुँचाए हैं। अरे भाई उन वादा हमेशा मतलब बदला दो सर, जिंदगी में कभी उतर नहीं सकता भाई। अपने आप ने काट काट का धो दियो जब भी ना उतरे नहीं उतरे ना, तो ना जितने भी है ना भाई ये अपॉर्चुनिटी सब ने नहीं मिलती भाई, जो अपने मम्मी पापा से प्यार करना भाई किस कोई थी सा भी हो भाई, जो इसने देखे भी नहीं होते और आज पछताए होते हैं, और जिनके पास होते हैं वो कदर भी नहीं करते। पर एक यो है भाई, सिंगल मैसेज है, पर जिनके पास है उनकी कदर करो, टाइम पर पूछ लो, इतना ही बहुत हुआ है। उनके गुस्से के पीछे एक बहुत इतना प्यार छुपा होता है, अगर थाम उस चीज ने थाम सर्च करने की ट्राई करोगे ना तो नुमाले घड़े पाप भाई। कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी एक मतलब थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा कि आगे का, मेरे को ही लग रहा है कि मैं बादलों में चल रहा हूँ, और आज तो ना ऐसा लग रहा कि कम्प्लीटली बादलों में है, अरनो नहीं मेरा चाल की तरह हाँ दोहरे घर में दिखता। देखिए कुछ भी दिखता तो बता दो, डेढ़ में का 1.5 घंटा हो गया नहीं चल रहे हैं। तो भाई सेफ चल रहे हैं। तो गाइस हम निकल चुके।